गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज सुबह सुबह बहुत बारिश हुई थी, अभी तो बहुत अच्छी सी धूप निकल गई है। और ये मेरे इस पौधे में भी बहुत सुंदर सुंदर अब फूल आ गए हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अपने अपने घरों में आप लोगों का कैसा बीत रहा है आजकल दिन, बताइएगा ज़रूर। हम लोगों ने भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है सब बच्चों ने, और सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना लैपटॉप और फ़ोन लेकर बैठ गया है। और मैं भी अपना काम ख़त्म करके अब जा रही हूँ लंच बनाने। चलिए मिलते हैं फिर लंच में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे और मज़े से होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और बच्चों की फरमाइश आई है कि कुछ बनाओ, तो चलते हैं कुछ टेस्टी बनाते हैं। यहाँ पे 4-5 आलू ले लिए क्योंकि हमारे यहाँ की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये है 5 आलू हैं जिसको हमने मैश कर लिया है, मीडियम साइज़ के आलू थे। और ये है नमक, ये है गरम मसाला, ये है काले मिर्च, और ये है भुना हुआ मसाला जिसमें जीरा है, सौंफ है, और धनिया है और लाल मिर्चा है जिसको हमने भून के पीस लिया है। ये है हरी मिर्च और ये धनिया की पत्ती। अब हम जा रहे हैं इसको हल्का सा हम फ्राई कर देंगे जिससे इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। पहले थोड़ा सा तेल डालते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगेगा तब हम मिर्ची डाल देंगे। भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये मसाला जो हमने आलू मैश करके रखे हैं इसको इसमें डाल देंगे। दोस्तों अब हम ये जो बाकी के मसाले हैं जो हम उसको डाल लेंगे, में नमक भी डाल लेंगे। आप अपने अंदाजे से डालिएगा क्योंकि इतना हमको मेजरमेंट से बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं, जो भी अंदाज़ा रहता है अंदाजे के हिसाब से बनाते हैं। और ये हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और अब इसको हम थोड़ा हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। फ्रेंड इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा, चटपटा सा। ये हम अपनी फैमिली के हिसाब से लिए हुए हैं।
और हमने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है 2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काले मिर्च, और इसमें हम पानी डाल देंगे। हमने अंदाज से डाला है, आप जितना सूजी ले उसका 2 गुना पानी ले। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब ये पानी बॉईल हो जाएगा तब उसके बाद से हम सूजी डालेंगे। डाल के और थोड़ा थोड़ा डाल के और धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। धनिया का पत्ती डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको ये ठंडा हो गया है, इसको हम हाथों में थोड़ा सा तेल या कुछ भी लगा के इसको अच्छे से मसल मसल के इसको एकदम चिकना कर लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे ही अब हम बाकी भी डाल देते हैं। इसमें तेल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऐसे ही करके कुक करके हम सब बना लेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अब मैं चलती हूँ और बाय, अपना ख्याल रखिए।